एक TVS की तरफ से काफ़ी अच्छी आवश्यक सूचना भी यहाँ पर आने लगी है वाइको में लिखकर, जो कि इसमें लिखा हुआ है आपका वाहन BS6 मानकों के अधीन। तो इससे प्रदूषण थोड़ी कम हो जाता है, साउंड की स्पेस है काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर। कंपनी ने इसका माइलेज हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं TVS अपाचे 160cc स्पेशल एडिशन की, जो कि न्यू ही वाइट कलर में अपडेट होकर आई है। तो फुल डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं इसके बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो एक मेन चेंज ये हुआ है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है, और आगे साइड आपको व्हील का कलर ब्लैक कलर का मिलता है और पीछे साइड रेड कलर का मिलता है, जो कि पीछे साइड का भी आप देख लीजिए के रेड कलर का दिया गया है। तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है देखने में। तो आगे से ही इसका शुरू करते हैं वीडियो को। तो फुल LED में इसकी हेडलाइट दी गई है, तो काफ़ी अच्छी लगती है और देखने में। और ये बाइक एक नेकेड बाइक है, और यहाँ पर ये सुपर मोटो ABS की बैजिंग मिल जाती है, और ये मडगार्ड भी वाइट कलर का दिया गया है। यहाँ TVS रेसिंग की बैजिंग मिल जाती है। और आगे की ब्रेक साइज की बात करें तो 270 mm का डिस्क दिया गया है ABS चैन के साथ। ABS चैन आगे ही दी गई है, पीछे नहीं दी गई है। और टायर साइज की बात करें तो 90x90 17 इंच के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं दोस्तों इस बाइक में। और इस साइड से भी आप देख लीजिए तो यहाँ पर हॉर्न दिए गए हैं, एक ही और एक वहाँ पर डबल हॉर्न मिलती हैं। और ये रेजुलेटर दिया गया है जिससे आपकी बाइक गर्म नहीं होगी। और यहाँ नीचे इंजन काउबल मिल जाता है, जो कि वाइट ही कलर का है, काफ़ी प्यारा लगता है। इंजन CC की बात करें तो 159.7 CC का ASI 4-stroke ऑयल कूलेड SOHC फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है इसमें। मतलब फ्यूल इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि जो BS6 इंजन आए हैं इसमें कैटलिटिक कन्वर्टर के साथ आने लगा है यहाँ पर, जो कि साइलेंसर में दिया जाता है, तो इससे प्रदूषण थोड़ी कम हो जाता है। और यहाँ पर 5-speed गेयरबॉक्स मिल जाते हैं, और ये साइड स्टैंड दी गई, साइड स्टैंड सेंसर भी दिया गया है, और ये नीचे मेन स्टैंड भी मिल जाती है। तो दोनों स्टैंड भी मिल जाते हैं इस बाइक में। और यहाँ बगल में अपाची की बैजिंग मिल जाती है, और ये फुटरेस्ट दिए गए हैं, फुटरेस्ट भी काफ़ी उच्च क्वालिटी के यूज किए गए हैं यहाँ पर। दोनों फुटरेस्ट काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, और ये लेडीज फुटरेस्ट मिल जाता है। और ये पीछे का टायर दिया गया, पीछे के टायर साइज की बात करें तो यहाँ से दिखाते हैं आपको 130x70 17 इंच का ट्यूबलेस टायर पीछे भी दिया गया है। इसका कलर रेड दिया गया है, वो मैंने पहले ही बता दिया है। आगे के जो व्हील का कलर है वो ब्लैक है और पीछे का रेड है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है देखने में। और इसमें सिंगल सस्पेंशन मिलता है, जो कि एडजस्टेबल दिया गया है, यहाँ पर सिंगल सस्पेंशन दिया गया है। और यहाँ पर RTR 164V की बैजिंग मिल जाती है, इस तरह से लगती है पीछे देखने में। और ये इंटीग्रेटर दिए गए हैं, इंटीग्रेटर अपाचे और राइडर बाइक में जो प्रयोग किए गए हैं वही इंटीग्रेटर इसमें भी है। और यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाता है इस साइड भी, यहाँ पर नंबर प्लेट ऑप्शन मिल जाता है, एक रिफ्लेक्टर यहाँ पर भी दिया गया है, तो सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। पीछे की ब्रेक साइज की बात करें तो 200mm का ओनली डिस्क मिलता है, ABS चैन पीछे नहीं मिलता है। और ये एग्जॉस्ट साउंड दिया गया है, जो एग्जॉस्ट है काफ़ी अच्छी आवाज़ है इसकी, तो कितना मतलब इसकी जो साउंड की स्पेस है काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर। और इस साइड भी आपको RTR 164V की वैल्यू मिल जाती है। और ये पकड़ने के लिए काबिल दी गई है, जैसे कि पीछे का प्लेन बैठता है तो पकड़ कर बैठ सकता है, सपोर्ट के लिए काफ़ी अच्छे हैं। और जो कलर है दोस्तों काफ़ी प्यारा कलर है, और सीट दी गई है काफ़ी कंफर्टेबल सीट दी गई है, दो लोग आसानी से बैठ सकते हैं। रेड और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन सीट में भी किया गया है। और ये फ्यूल टैंक दिया गया है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 12 लीटर की दी गई है। और इसके माइलेज की बात करें दोस्तों, कंपनी ने इसका माइलेज 47 KMPL का दिया है, तो काफ़ी अच्छा माइलेज भी दिया है। एक TVS की तरफ से काफ़ी अच्छी आवश्यक सूचना भी यहाँ पर आने लगी है वाइको में लिखकर, जो कि इसमें लिखा हुआ है आपका वाहन BS6 मानकों के अधीन है। इसमें लगे फ्यूल पंप को हमेशा 2 लीटर पेट्रोल की अनिवार्य रूप से आवश्यकता होती है, अतः इस नियम का पालन करें, ऐसा न करने पर फ्यूल पंप को नुकसान पहुँचेगा और उसकी वारंटी नहीं आती है।
मतलब फ्यूल पंप की वारंटी नहीं आती है, तो आपको कम से कम उसमें 2 लीटर पेट्रोल डालकर चलना ही होगा। और यहाँ पर RTO 160 की बैजिंग मिल जाती है, और यहाँ पर हॉर्स की बैजिंग मिल जाती है ब्लैक कलर में, और जो यहाँ पर बीच में रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन किया गया है जो काफ़ी प्यारा लगता है। अब इसके इंजन पावर की बात करें तो 17 PS की पावर दी गई है दोस्तों इसमें, तो पावर भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और टॉर्क की बात करें तो 14 Nm का टॉर्क दिया गया है, जिसकी पावर 17 की दी गई है वो 9,250 RPM पर, और जो टॉर्क है इसका वो है 7,250 RPM पर। तो काफ़ी अच्छा पावर और टॉर्क दोनों मिल जाते हैं दोस्तों इस बाइक में। और यहाँ पर किक का ऑप्शन नहीं मिलता है, ओनली सेल्फ ऑप्शन मिलता है। और अब इसके मीटर वायर के बारे में बात करें तो फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है इसमें, तो बैटरी कनेक्शन है नहीं, और बाकी ब्लूटूथ नेविगेशन वगैरह भी ऐड है, तो बैटरी कनेक्शन है नहीं, वरना मैं फुल डिटेल में और वही बता देता इसके बारे में। तो हैंडल बार पर भी कुछ स्विच दिए गए हैं, जैसे कि जो लीवर दिए गए हैं ये एडजस्टेबल दिए गए हैं, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं आपको किस जगह पर एडजस्ट करनी तो आराम से। और ये स्विच दिए गए हैं, जैसे पासिंग स्विच, अप डाउन लाइट स्विच, और इंडिकेटर स्विच, और नीचे हॉर्न स्विच, और इस तरफ के हैंडल बार पर भी स्विच दिए गए हैं। और ये लीवर भी आगे का लीवर भी एडजस्टेबल है, तो ये इंजन कट ऑफ स्विच, और ये मतलब आगे की लाइट जलेगी, ये लाइट के लिए स्विच दिया गया है, और ये सेल्फ के लिए दिया गया है, तो ओनली सेल्फ ऑप्शन मिलता है इसमें, किक ऑप्शन नहीं मिलता है। और ये मिरर दिए गए हैं, तो काफ़ी प्यारे मिरर भी लगते हैं इसके देखने में। अब इसके डायमेंशन के बारे में और बात कर लेते हैं, तो विड्थ दी गई है 790 mm की, और लेंथ दी गई है 2035 mm की, और जो हाइट है दोस्तों इसकी वो है 1050 mm की, और सेडल हाइट है 800 mm की, और ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है 180 mm का, और व्हील विड्थ दिया गया है 1357 mm का, और जो वेट है इसका दोस्तों पूरी बाइक का वो है 140 kg का, तो काफ़ी अच्छा वेट भी मिल जाता है आपको एक नेकेड बाइक में 160 cc की में, तो काफ़ी मस्कुलर बाइक है और काफ़ी अच्छी प्राइस के साथ मिल रही है। अब ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करें तो 1,55,710 रुपये है इस बाइक की। ये जो प्राइस मैंने बताई है पांडे TVS शोरूम छतरपुर मध्य प्रदेश की बताई है, और इसमें डाउन पेमेंट कम से कम आप 40 से 50 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट दे कर ले जा सकते हैं इस बाइक को, और EMI अपने हिसाब से भी कर सकते हैं आपको कितने की मतलब EMI करनी है, कितने वर्ष के लिए करनी है, तो डाउन पेमेंट भी काफ़ी अच्छा करके आप उस बाइक को ले जा सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल को करें हमारे सब्सक्राइब।